बिना मोटरवे पर एक गाड़ी ऐसी मिलती है जो गाड़ी कई घंटों तक मोटरवे पर खड़ी रहती है, और गाड़ी के खड़े रहने के बाद जो है मोटरवे पुलिस जो है वो इस चीज़ को नोट करती है कि ये बड़ी देर से यहाँ पर खड़ी है, आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है। तो वो मोटरवे पुलिस जो है उस गाड़ी की जानिब बढ़ती है। उस गाड़ी के पास जाने के बाद जो है दरवाजे शीशे सब बंद होता है, लिहाजा पुलिस शीशे को तोड़ती है और अंदर देखती है। चार बेजान जिस्म पुलिस को मिलते हैं। मोटरवे पर जाते हुए भी आप महफूज ना हो तो कितनी हैरानकुन बात है, और कैसे आपकी जान चली जाए इसके बारे में आज जानना है कि आखिर मोटरवे पर जाते हुए भी आपकी जान जा सकती है। अब जब पुलिस देखती है, सारी तहकीक करती है, तो करीबी हॉस्पिटल में इन बेजान जानों को जो है पहुंचाती है। तो वहां जाकर डॉक्टर्स और नर्सेज इस बात को जो है वो क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये जो चार, जिसमें 55 साल एक औरत है, 25 साल एक लड़की है, एक बच्चा है और एक लड़का है, जो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें एक अगला ड्राइवर जो कि उस पर 55 साल माँ का बेटा है, खुशकिस्मती से अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी अता करते हैं और वो बच जाता है। इसके बचने के बाद अब जो है, जब ये पता चल जाता है कि ये चार लोग तो दुनिया से जा चुके हैं, अब वो दुनिया से जो गए हैं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उनके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई ऐसी चोट नहीं थी कि जिसके बाद ये कहा जाए कि इनकी कैसे मौत वाकया हुई। लेकिन जो 55 साल औरत का एक बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो खुशकिस्मती से बचता है, उसके होश में आने का इंतज़ार किया जाता है, और जब वो होश में आता है उसको बताया जाता है, तो वो कहता है कि ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे पीछे बैठे चार अफराद जो हैं वो दुनिया में नहीं है, और मैं बेहोशी के आलम में हूँ, और अब मुझे होश आ रही है, मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं। हैरानकुन तौर पर ये सारा वाकया हुआ। और फिर उसके बाद जब उसे पूरी तफसीलात ली गई, तो उसने बताया कि हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जा रहे थे अपनी खाला को मिलने के लिए। रास्ते में थोड़ी बहुत भूख और प्यास महसूस हुई, जहाँ हमने उतर कर एक बेकरी से जूसेस और पैटिस ली अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, और अचानक से मुझे थोड़ा आगे जाने के बाद मेरा मोटरवे पे मेरी जो 55 साल बूढ़ी माँ है उसने मुझे कहा कि रुको, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। कहते मैं वहाँ गाड़ी रुकी है, और उसके बाद अब मुझे होश आई है, तो मुझे पता चला है कि मेरे पीछे बैठे मेरी बीवी, मेरे माँ, मेरा बच्चा दुनिया में मौजूद है। अब उसके बाद पता चलता है, जब सारी तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि जो जूस उन्होंने पिया, एक बहुत बड़े ब्रांड का, जो चीज़ें इस वक्त आपको स्क्रीन पर सारी नज़र आ रही हैं, ये गाड़ी से बरामद हुई हैं। और पता चलता है कि वो जो जूस उन्होंने पिया है वो एक्सपायर। और फिर दो जो हैं डेड बॉडीज़ घर पहुंचा दी गई हैं, दो पोस्टमार्टम के लिए अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और देखा जा रहा है कि अब वाकई ही जो ये बात सामने आई है जूस वाली, ये सच्ची है या नहीं। उससे पहले भी मैं इस किस्म के प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ कि जूसेस और बॉटल्स और ये जो स्नैक्स आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, इसकी वजह से कितने हादसात इस वक्त हो चुके हैं, कितनी कीमती जाने जा चुकी हैं। उसके अलावा आप मानेंगे नहीं कि कितने बच्चों की किडनी फेल हुई, बच्चों के पेट में दर्द होना, बच्चों की तबीयत ख़राब होना, बच्चों की सेहत ना बनना, बच्चों के रंग का पीला होना, बच्चों को वॉमिटिंग आना, बुखार होना, ये सब स्नैक्स, जूस और बॉटल्स, स्पेशली दो नंबर चीज़ों की वजह से। अब कहा जा रहा है कि उस बेकरी में जाकर तस्दीक की जाएगी, उस बेकरी वाले को पकड़ा जाएगा, या उसके बाद जो कंपनी है उसके जाके उसकी जो है तहकीकात होंगी, उसके बारे में जो है मालूमात हासिल की जाएगी। लेकिन एक तरफ फूड अथॉरिटी वाले, जिनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मुल्क में बॉटल्स या जूसेस की वजह से इस तरह का ड्रामा हो रहा है, इस तरह के हादसात हो रहे हैं, कई कीमती जाने जा चुकी हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही इन चीज़ों पे बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा, ये चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म की जा रही। और ये पीने वाले हजरात, इनको पता चल चुका है कि ये चीज़ें जानलेवा हैं, इस वक्त ये ख़तरनाक हैं, तो थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें, छोड़ दें, बच्चों को ना पिलाएं, खुद ना पिए। पता चल रहा है कि इतने बड़े नामी ग्रामी जूसेस और बॉटल्स जो हैं उसकी वजह से इतने हादसात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हादसात इस वक्त हो चुके हैं। अब देखना ये बाकी है कि बाकी की डिटेल क्या आती है, क्योंकि अभी भी दो बॉडीज़ जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, उनका पोस्टमार्टम होना है, उसके पोस्टमार्टम के बाद बाकी की तफसीलात जो हैं वो आएंगी और फिर आपको बताएंगे।